मऊ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकारियों ने बंद कलम बंद बहिष्कार कर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही अपने वेतन को 4,000 से बढ़ाकर 15,000 किए जाने के साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलने की मांग को उठाया है। अपने आवाज को बुलंद करते हुए 2 जुलाई से पोलियो अभियान का बहिष्कार करने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सेविकाओं ने मांग उठाया कि उनका वेतन 4,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए, इसके साथ ही उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर कार्यकर्तियों ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में तालाबंदी कर काम बंद कलम बंद बहिष्कार पर चल रही है। इसके साथ मांग पूरी ना होने पर चेतावनी भी दी गई है कि अगर मांग पूरी नहीं होगी तो 2 जुलाई से कोई भी आंगनवाड़ी सेविकाएं पोलियो अभियान में भाग नहीं लेंगी और उसका बहिष्कार करेंगी। फिलहाल सेविकाओं ने डीएम के माध्यम से अपने मांग पत्र सीएम को सौंपने का काम किया है, साथ ही मांग पूरी नहीं होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने की बात भी कही है। मांगे हम लोगों की है कि हम लोगों का पेमेंट जो है 4,000 रुपए है, 4,000 से बढ़ाया जाए, 15,000 रुपए किया जाए और हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। कब तक चलती रहेंगी मांगे और आगे आगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारे धरने चलते रहेंगे। हम लोग कल से पोलियो का बहिष्कार भी कर रहे हैं। हम लोग पोलियो में कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती या सहायिका कोई भी पोलियो में काम नहीं करेगा, कोई टीकाकरण में काम नहीं करेगा, कोई केंद्र नहीं चलेगा। हम लोग काम बंद और कलम बंद हड़ताल पे बैठे हुए हैं और जब तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की पेमेंट नहीं बढ़ाए जाते, हमें राज्य कर्मचारी नहीं घोषित किए जाते, तब तक हम लोग अपने धरने पे बैठे रहेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम के लिए मऊ से सुशील सिंह की रिपोर्ट।